दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया और हमारा चैनल है पारस होम्योपैथी, जिसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंडिडाइसिस, जिसको ओरल थ्रस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं ओरल कैंडिडाइसिस। ओरल कैंडिडाइसिस के अंदर मुंह के किसी भी पार्ट के अंदर अगर सफ़ेद सफ़ेद या कुछ क्रीमी लेयर अगर बनना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसको परत को उतारने पर वहां पर ब्लड आना या रेडनेस जैसी ऐसे संकेत मिलते हैं, तो उसको ओरल कैंडिडाइसिस बोला जाता है, या फिर उसको मुंह का फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। दोस्तों इसके ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो टारगेट पॉइंट पे रहती है वो एज है छोटे बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडी, यानी जिन भी पर्सन्स की इम्यूनिटी सबसे कम रहती है ये फंगस उसी को इन्फेक्ट करता है। अब ये है कि ये फंगस कॉमन होता है, अपनी स्किन के भी के ऊपर भी मिलता है और मुंह पर भी नॉर्मली बैक्टीरिया के साथ में मिलता है, लेकिन ये तभी इन्फेक्ट करता है जब उनका इम्बेलेंस होता है। बैक्टीरिया अगर आपके कम होने लग जाते हैं तो उनका इम्बेलेंस होने की वजह से ये फंगस वहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है और ये डिजीज इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं। ये बीमारी या डिजीज जो है ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सीवियरिटी की तरफ जाती है। ये फैलते फैलते गले के थ्रू आपकी भोजन नली तक जा सकती है और उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको सही समय पर सही तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो सबसे बड़ा कारण ये रहता है, वो जो भी डिजीज अगर आपकी बीमारी को लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको इम्यून पावर बोलते हैं, उसको किसी भी वे के अंदर इफेक्ट करती है या उसको कम करने लग जाती है, तो ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें सबसे खास रहता है कि अगर आपके मुंह के अंदर लंबे समय से अगर छाले बने हुए हैं, या आपने कोई डेंचर लगा रखा है या ब्रश यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपने एंटीबायोटिक्स के काफ़ी अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल या स्टेरॉयड आपने ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें भी ये बनने के चांसेज बढ़ जाते हैं। या अस्थमा का मरीज होता है, वो कुछ इनहेलर या ओरल स्प्रे यूज करते हैं, उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉयड साथ साथ में कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं, या रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी के दौरान भी देखने को मिलता है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ के अंदर डायबिटीज का पेशेंट, अगर आपके हार्मोनल इम्बेलेंस बॉडी के अंदर है, या फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ये बीमारी आपको या डिजीज बहुत ज़्यादा जल्दी कवर कर सकती है। दोस्तों आज जो बताने जा रहा हूँ कि इस बीमारी को या डिजीज को किस तरीके से घर पे अपन ट्रीट कर सकते हैं, उसमें सबसे खास है आप एक कप पानी का लेके उसमें आधा नींबू नीचो के उसके बार बार कुल्ले करें तो बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। दूसरा जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है, आप नारियल का तेल, यानी वो नारियल का तेल जो बिल्कुल अच्छी तरीके से शुद्ध तेल होता है या डायरेक्ट निकला हुआ होता है, प्योरीफाइड नहीं होता है, उसको आप धीरे धीरे अंगुली से जहाँ पे जिस पार्ट में है उसको यूज करें, वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। एक होम्योपैथिक के अंदर बोरेक्स 3X के नाम से पाउडर आता है, उसको आधे कप के अंदर थोड़ी सी मात्रा में डाल के उसके दिन में 3-4 बार कुल्ले करें तो ये बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकती है। अब दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं हमारी होम्योपैथी मेडिसिन किस तरीके से ये काम करती है। तो बेसिकली जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हुए ही काम करती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है उसको अच्छी तरीके से वापस लेवल पे लाके, जो इम्यून सिस्टम बॉडी के या फंगस के ही अगेंस्ट फाइट करता है, उस तरीके से इनका रोल रहता है। तो जो दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ वो फर्स्ट दवाई है बोरेक्स 30 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही मोटी और सफ़ेद परत आपको मुंह के अंदर देखने को मिलती है, मुंह है वो काफ़ी गर्म महसूस होता है, काफ़ी पीड़ादायक कंडीशन इसमें लगती है और मुंह काफ़ी ड्राई रहता है, उसके अंदर बोरेक्स का यूज़ किया जा सकता है। सेकंड जो मेडिसिन आती है मर्क्यूरियस सोल्युबिलस, ये दवा का जो इसका मरीज होता है मुंह के अंदर सेलाइवा उसके ज़्यादा बनती है, येलोविश या पीली जैसी कोटिंग मुंह के अंदर बनना स्टार्ट होती है, साथ साथ के अंदर मरीज को प्यास ठंडे पानी की पीने की इच्छा करती हो और मुंह एकदम से कच्चा कच्चा जिसके अंदर पेन काफ़ी महसूस होता हो, तो मर्क्सोल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम की पेशेंट की मरीज की जो टंग होती है बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन जो मिडिल का पार्ट या बैक का पार्ट होता है उस पे कोटिंग, सफेद सी कोटिंग आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में अगर बहुत तेज दर्द अगर महसूस हो रहा हो मुख के अंदर तो एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। फोर्थ नंबर की मेडिसिन आती है काली आयोड। काली आयोड का मरीज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको परत जमने या देखने को मिलती है, या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ादायी कंडीशन अगर रहती है तो काली आयोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में मानी जाती है। इसके साथ में नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के मरीज के अंदर मुंह ड्राई रहता है, उसके साथ साथ के अंदर काफ़ी पेन कहना बर्निंग सेंसेशन अगर फील करता हो तो नेट्रम म्यूरेटिकम का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इन दवाइयों का यूज आप पेशेंट की एज और उसकी कंडीशन या सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की आपके सजेशन या कोई कमेंट्स हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमसे भी सजेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।